हेलो फ्रेंड, हम लोग नीट एग्ज़ाम लेवल बायोटॉपिक टेस्ट सेकंड कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग नीट 2020 में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में से 83 क्वेश्चन सही करेंगे। हम लोग इसके पहले वीडियो में 14 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। हम कौन सी अतिरिक्त मांसपेशियों की सहायता से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं? तो एब्डोमिनल मसल्स होती है, थोरैक्स, पेल्विक ओनली, एब्डोमेन, चेस्ट, तो एब्डोमेन मसल्स होती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से देखेंगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ गलती हो जाती है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, यहाँ इसे गोला मार देना चाहिए। स्पायरोमीटर हैज नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसमें कह रहा है स्पायरोमीटर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता क्लिनिकल में। बी, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर आर एक्सपायर अप्रॉक्स 6,000 to 8,000 mL ऑफ एयर पर सेकेंड। सी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1,000 mL। डी, नॉर्मली एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। तो जो ए ऑप्शन है, इसमें ध्यान से आप लोग को देखना है, स्पायरोमीटर है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, जैसे कहाँ यूज करते हैं, डायग्नोस करते हैं, अस्थमा पेशेंट में, COPD में करते हैं। बी ऑप्शन देख लेते हैं, हेल्दी मैन जो इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्स 6,000 to 8,000 mL एयर पर सेकंड यहाँ दे दिया है, यही गलती किया, पर सेकंड दे दिया, यहाँ पर मिनट होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1,000 mL, तो ये एकदम सही है, क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1,000 mL होती भी है, और नॉर्मली एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, इनकरेक्ट लेकिन पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट ए और बी इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 43, ऑन माउंटेन क्लाइंबिंग रिस्पायरेशन बिकम डिफिकल्ट ड्यू टू लेस ऑक्सीजन अवेलेबल, दिस कंडीशन इज कंपनसेटेड बाय द बॉडी विद दिस मैकेनिज्म। पहाड़ों पर चढ़ते समय श्वसन कठिन होता है, क्योंकि उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। शरीर इस अवस्था को किस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा करता है, मैनेज किस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा करता है अवस्था का सामना? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज एरिथ्रोपोएसिस, सेकंड इंक्रीज फैट डिपोजिशन, स्ट्रांग प्रोटीन, फोर्थ स्ट्रांग कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो रिस्पायरेशन बिकम डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू लेस ऑक्सीजन की वजह से, दिस कंडीशन इज कंपनसेटेड बाय द बॉडी विथ इंक्रीज क्या करने लगती है, इर्थ्रोपोसिस, RBC फॉर्मेशन करने लगती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है, गोला मार लो, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये बहुत कंसेप्ट है कि जहाँ इनकरेक्ट और करेक्ट बोले एग्जाम में, वहाँ गोला मार लो। अब फर्स्ट ऑप्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैंडेटरी फॉर ब्रीथिंग कंट्रोल। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के नियंत्रण के लिए अति आवश्यक है। बी देख लेते हैं, एल्वियोलाई आर नॉन इलास्टिक इन नेचर, नॉन इलास्टिक बोल रहा है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज नो रोल इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू नाइजोफायरिंग्स एंटीरियरली कह रहा है। अब ए ऑप्शन जो है 44 का, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैंडेटरी फॉर ब्रीथिंग कंट्रोल, ये एकदम ये सही है, करेक्ट पूछ रहा है, ये सही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, एब्लिलाई आर इनलास्टिक दे रहा है, लेकिन क्या होती है, इलास्टिक होती है, या इलास्टिक होती है, तो इसीलिए गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं,
बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज रोल इन रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन फार्मेशन, ये मेम्ब्रेन फार्मेशन में रोल होता है, नो रोल, ये भी गलत हो जाएगा इसीलिए। नेजल चैम्बर, कह रहा नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू नेजो फायरिंग्स, तो यहाँ तक तो सही कह रहा, लेकिन पोस्टीरियरली होती है, यहाँ एंटीरियरली दे रहा, तो ये भी इसीलिए गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन सही कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ये कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजस्ट टू द रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू, कह रहा है एक रसायन संवेदी एरिया जो कि रिदम सेंटर के एकदम पास में होता है अत्यधिक संवेदन संवेदिक संवेदित होता है, तो यह कीमो सेंसिटिव एरिया किसके लिए अधिक सेंसिटिव होता है? CO2, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन, बोथ वन एंड टू। तो ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजस्ट टू द रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के लिए होता है। तो फर्स्ट भी सही है, CO2 भी और हाइड्रोजन आयन भी, तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ल्यूकोसाइट आर फाइगोसिटिक सेल्स हु डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, जो जो डिजीज काज करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म, वो उनको कौन मतलब सेल्स, कौन सी सेल्स है जो भक्षण कर लेती है, मार देती है, फाइगोसिटिक खा लेती है? तो एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं, ये N m² ये याद कर लेना हमेशा, न्यूट्रोफिल्स N से, NEUTROPHIL न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट MONOCYTE मोनोसाइट, फिर M से दो M है, M स्क्वायर किए हैं, माइक्रोफेज MACROPHASE माइक्रोफेज, तो ये तीनों जो हैं ये फैगोसिटिक सेल हैं, यानी एम स्क्वायर, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, माइक्रोफेज। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ए ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बायसोफिल्स, लिम्फोसाइट, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कह रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम लोग करेक्ट पूछ रहा तो क्या करेंगे, पहले गोला बनाएंगे। ए फर्स्ट, ये हेल्दी इंडिविजुअल हैज 20-25 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, प्लेटलेट कैन नॉट इन्वॉल्व इन द कागुलेशन ऑफ ब्लड, बायसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन, लिम्फोसाइट आर 90-95%। तो इसमें थोड़ा सा ये फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है, ये हेल्दी इंडिविजुअल 20-25 ग्राम्स नहीं होता है, इसमें होता है 12-16 ग्राम होता है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड जो कह रहा है, प्लेटलेट्स कैन रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, सीक्रेट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट व्हिच आर इन्वॉल्व इन द कागुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये कह रहा है कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और थर्ड, बायसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में यह होता है बायसोफिल्स, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी लिम्फोसाइट आर 90-95% लिम्फोसाइट कह रहा है, तो लिम्फोसाइट इतनी थोड़ी होती है, लिम्फोसाइट तो 20-25% होती है, 20-25% होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय व्हिच वॉल्व, तो इसमें कह रहा है कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में कौन गार्ड करता है, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में ट्राइकैप्सिड वॉल होती है, अगर बाइकैप्सिड एंड मिटर वॉल कहाँ होती है, ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है, लेकिन यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल पूछ रहा है, तो ट्राइकैप्सिड वॉल होती है। ट्राइकैप्सिड वॉल को क्या कहते हैं, मस्कुलर फ्लैप होती हैं, ये वॉल कस्प होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन ECG व्हिच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इसमें कह रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कैसे निकालोगे, इसमें हम ट्रिक बता दे रहे हैं, इसमें ऐसे सर्कल बना लेंगे, कैसे, ये देखो NCERT में ऐसे फिगर बना है,
ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे उठाया गया है, फिर यहाँ पे उठाया गया होगा, फिर ऐसे किया है। अब यहाँ P लिख लेते हैं, यहाँ Q लिखा होगा, यहाँ R लिखा होगा, यहाँ S लिखा होगा, यहाँ पे T लिखा होगा और यहाँ पे टी, हाँ टी बस लिखा है। तो पी को क्या कहते हैं, पी को डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। और क्यू को क्या कहते हैं, क्यू क्यू को तो यहाँ बिगनिंग ऑफ सिस्टोल होता है, बिगनिंग ऑफ सिस्टोल क्यू पोजीशन पे। और आर पोजीशन को क्या कहते हैं, यहाँ फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है। और यहाँ ये जो ऐसे लाइन है इसी को कहते हैं, यहाँ पूछता है क्यू क्यू आर एस क्या है, तो यहाँ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्यू आर एस को लिख लीजिए। और टी पोजीशन को क्या कहते हैं, यहाँ क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डी डी दोनों जगह हैं, फिर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एक ही जगह एट्रिया आता है। तो यहाँ कह रहा है ECG व्हेन व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया एक ही जगह आता, फर्स्ट पे आता पी पोजीशन पर, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच न्यूरल सिग्नल्स डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट कौन सा न्यूरल सिग्नल है जो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब परा रहता है, यही न्यूरल सिग्नल को पैरासिम्पैथेटिक परा रहता है। इमरजेंसी के समय तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा ना, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है।